ठीक है यश, जवाब दीजिए, क्या चारों खाने चित हो गई क्या कांग्रेस दूसरी लिस्ट आने के बाद? चारों चौतरफा घेराबंदी कर दी है क्या बीजेपी ने? नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि एक तिहाई लिस्ट में इतने सारे सांसद और मंत्री आ गए हैं, बाकी की दो तिहाई लिस्ट में कहीं वर्तमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, कहीं ये लोग ना उतर के आ जाए मध्य प्रदेश में। तो बहुत ही मजेदार टाइप की ये लिस्ट है, इससे हमें डर या ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बैठ के हंस रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस या भोपाल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने एक फोटो डाली थी, बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी का झंडा उल्टा लगा दिया था, वो भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पास में कहीं। तो ये जो टिकट और ये लिस्ट है, अब नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री रहे जिस समय किसान आंदोलन हुआ, तो हो सकता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी उनसे खुश ना हो कि भाई तुम नहीं संभाल पाए, हमें आके टीवी पे आंसू बहा के दिखाना पड़ा, कुछ भी हो सकता है। फिर उनके भाई का भी टिकट कटने की संभावना है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी पारिवारिक रूप से परेशान हो गए हैं इस लिस्ट के कारण, बहुत सारी बातें हैं। और इनके पीछे इन सबसे पहले ये है कि भाई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उठा के आप विधायक बनने के लिए दौड़ में लगा देंगे, तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी और कलह जो है, इन दो चीजों का कुछ बड़ा गहरा सा रिश्ता है। तो ब्रज गोपाल जी अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी डरी हुई नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि कहीं बीजेपी वाले मर्यादा भूल, क्योंकि मर्यादा भूलने में भी बीजेपी की PhD है, डीपल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रत्याशी हैं यही कुछ गलत कर दें।